ॐ गुरुभ्यो नमः ॐ गणपतये नमः ॐ हनुमते नमः ॐ रामाय नमः ॐ मातेश्वर्ये नमो नमः ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ॐ शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज का राशिफल 2 सितंबर 2023 शनिवार और तृतीया तिथि और आज जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद 12:31 PM और उसके बाद नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। यानी यहाँ चंद्र राशि आज मीन राशि है और आज का सूर्योदय 5:59 AM, सूर्य अस्त 6:42 PM और आज अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM, 12:46 PM तक और आज का राहु काल 9:09 AM से 10:45 AM तक दिशा सूल पूर्व दिशा। आज का राशि बल आज वृषभ मिथुन कन्या तुला मकर और मीन बल रहेगा। नक्षत्र अश्विनी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु पुष्या अश्लेषा मघा उत्तरा फाल्गुनी चित्रा विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में आज बल रहेगा। चलिए राशिफल। सबसे पहले मेष राशि, द्वादश चंद्रमा, अहेतुक खर्चा और यात्राओं में परेशानी और साथ में कार्मिक बल यहाँ पर एज ए मेष राशि बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलेगा। फ्लो ऑफ मनी आज का अगर बात करें, खर्चा ज़्यादा दिखा रहा है, फ्लो ऑफ मनी कम दिखा रहा है। वृष राशि का अगर बात करते हैं तो ये एकादश चंद्रमा हर प्रकार से लाभ, किंतु ये स्थान पापकर्तरी में होने के कारण उतना ज़्यादा लाभ तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन कार्मिक रिजल्ट में कर्म सफलता दिखा रहा है। मंगल का दृष्टि और पापकर्तरी में फंसा ऐसा चंद्रमा उग्रता लिए हुए आपका परिस्थिति बना सकता है, थोड़ा सावधान रहेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि, दशम चंद्रमा, कार्य सिद्धि योग सफलता, बेस्ट है, प्लस प्लस, गुड गुड, गो गो। लेकिन मिथुन वालों का काम का घर ऑलरेडी बंधा हुआ है, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हाथ से जाते हुए कंडीशन बना है, तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। आज का चंद्रमा थोड़ा सा रेडिश चंद्रमा रह सकता है। बात करते हैं कर्क राशि, नवम चंद्रमा, थोड़ा सा रोग इत्यादि का संभावना दिख रहा है, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ सा जैसे अनुभव रहेगा। और आर्थिक स्थिति का बात करें, सूर्य स्वग्रही शनि के दृष्टि में, राहु के दृष्टि में, वो एक परिवार और धन इत्यादि क्षेत्र में थोड़ा सा विभ्रमता और चंद्रमा का यहाँ बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, बात करते हैं सिंह राशि का। सिंह राशि के लिए ये अष्टम चंद्रमा बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, कर्म सफलता उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको कार्मिक एनर्जी 30% से भी कम रहेगा। कन्या राशि सप्तम चंद्रमा, एंजॉय मजा मस्ती सब कुछ ठीक, लेकिन पाप कर्तरी में होने के कारण मन बंधा हुआ सा रह सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एज रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तुला राशि का बात करते हैं, छठा चंद्रमा, आरोग्यता बल बुद्धि पुष्टि वर्धदायक रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन शत्रु इत्यादि पस्त भी रहेंगे, कंडीशन ये ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति भी यहाँ ले दे के अच्छा दिखाई दे रहा है, कार्मिक ऊर्जा भी यहाँ आज बढ़ा हुआ रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए पंचम चंद्रमा बेकूफी हो सकता है, घात चंद्र योग का संभावना है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा बच के सावधानी से चले। बात करते हैं धनु का, तो धनु के लिए चतुर्थ चंद्रमा बेकूफी और बुड़बकी हो सकता है, गलत निर्णय हो सकता है, आज थोड़ा सा रुक के चले। आर्थिक स्थिति सामान्यतर और कार्मिक रिजल्ट नियर अबाउट 36%। बात करते हैं मकरू का, मकरू के लिए तृतीय चंद्रमा, तृतीय चंद्रमा में पराक्रम में वृद्धि, कर्म सफलता, कर्म सिद्धि, पावर टॉप में रहेगा, मंगल का भी दृष्टि है, उग्रता बढ़ा हुआ रहेगा, मन में थोड़ा सा विभ्रांति दे सकता है, लेकिन फिर भी इस समय मानसिक फ्रीनेस कुछ परसेंट में आगे से अच्छा रहेगा। कुंभ राशि द्वितीय चंद्रमा, धन वाणी परिवार के क्षेत्र में थोड़ा सा नेगेटिविटी, परिवार में वाद विवाद संभावना है, कार्मिक स्थिति यहाँ पर बहुत बढ़िया तो नहीं रहेगा, लेकिन 36 to 39 नंबर दूंगा। मीन राशि लग्न के ऊपर चंद्रमा बहुत अच्छा है, बहुत सारे प्लानिंग बना सकते हैं,
परंतु यहाँ रिजल्टिव बेनिफिट यहाँ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और यात्रा इत्यादि से संभल के रहना चाहिए। ये था आज का बेसिक राशिफल। आज सूर्य का नक्षत्र फल ऑलरेडी मैं बोल दिया हूँ, वो उस 15 दिन का सूर्य का बता दिया हूँ और नक्षत्र फल आज थोड़ा सा नहीं बता रहा हूँ, दूसरा दिन इसके ऊपर ध्यान दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।